दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे होपर ड्रायर के बारे में। ठीक है दोस्तों, होपर ड्रायर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जिस मटेरियल के अंदर मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम होपर ड्रायर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम एक साइड से जो नॉर्मल एयर है वह पंप करते हैं, जो हीटरों से होती हुई क्या पहुँचती है, मटेरियल में पहुँचती है, और मटेरियल को हीट करते हुए बाहर की तरफ को निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से तो इसमें क्या होगा कि जो मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वह इसी हॉट एयर के साथ में बाहर की तरफ निकल जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें समझेंगे कि यह कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है, ठीक है, और किसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इधर दोस्तों फर्स्ट में क्या होता है, हमारा ब्लोअर होता है जिसमें एक मोटर लगी होती है, वह क्या करती है, एयर को अंदर की तरफ को पंप करती है, जो बाहर इन्वायरमेंट में जो एयर होती है उस एयर को अंदर की तरफ इसमें हीटर जोन में पंप करती है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि पीआईडी के साथ में हीटर अटैच रहते हैं, जो कि पीएलसी जो कंट्रोल बॉक्स होता है उसमें, सपोज हमने टेम्परेचर सेट करते हैं तो उसी के साथ क्या होता है, ये ऑन ऑफ करता है। एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है इसी के साथ, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारे जो है ओवरहीट ना हो चीज़ें। ठीक है, उसी के साथ साथ थर्मोकपल एक सेंसर लगा होता है, ठीक है, ये लास्ट में लगा होता है ताकि एयर का जो टेम्परेचर है वह चेक कर सके हम यहाँ पे। तो अब इसके लिए इसमें क्या होता है, जब एयर अंदर जाती है, जो इन्वायरमेंट की एयर है वह हीटरों के संपर्क में आने पर गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये जब एयर जाती है तो थर्मोकपल वह टेम्परेचर को सेंस करके जो कंट्रोलर है वहाँ पर भेजती है। ठीक है ना, तो उसी के साथ ये क्या होता है, कंट्रोल के द्वारा हीटर ऑन ऑफ होते रहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर गेज है वहाँ पे भी हम टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी जब हम होपर ड्रायर को ऑन करेंगे तो उसके साथ साथ जैसे ही ऑन होता है, क्या हमारा ब्लोअर फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, और गेज में उसका टेम्परेचर भी एक बार देखें, कुछ टाइम तक देखेंगे कि वह बढ़ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक लोअर कॉइन होता है, यानी कि एक जाली होती है, ये एक जाली होती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि जाली के बीच में गैप है तो मटेरियल इधर आ जाएगा, तो ये क्या करता है कि जो मटेरियल है वह इस ट्यूब के अंदर ना आए। ठीक है, तो ये वह इस मटेरियल को आने से रोकता है, तो उसमें से क्या होता है कि एयर निकलती रहती है और ऊपर की तरफ को मूव करती है। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों बीच में क्या होता है, एक सेपरेटर भी होता है। इस सेपरेटर का क्या काम होता है दोस्तों, यह बीच से मटेरियल नहीं आने देता है, यह साइडों से मटेरियल होता हुआ अंदर की तरफ को मूव करेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों कि यदि यह बीच में सेपरेटर ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो है मटेरियल साइडों से मूव नहीं करेगा, और जो इन्वायरमेंट की में जो एयर में जो डस्ट होती है उसके कारण यह मटेरियल कुछ समय बाद ब्लैक, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दूसरा सेपरेटर ब्रिज भी बोल देते हैं इसी तरीके से इसे, तो वह होगा और ये साइडों से ये भी इसी तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, ताकि मटेरियल यहाँ पे ठंडा मटेरियल ना रुक पाए। ठीक है, तो ये आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इसका प्रोसेस। ठीक है, तो सभी के लिए जो मटेरियल होते हैं उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर और उसका जो है ड्यूरेशन वो डिसाइड होती है। ठीक है ना, तो उस तरीके से यह काम करती है। दोस्तों एक बार प्रोसेस पे हम फिर से ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, एक ब्लोअर होता है जो कि हीटर जो कंट्रोलर बॉक्स होता है जुड़ा होता है हीटरों के साथ। इसमें क्या होगा, हीटर में हीटर जो बॉक्स है उसके अंदर यह एयर को बोल जो ब्लोअर है वह पंप करेगा, उससे जो गर्म एयर है वह इस जो हमारा होपर ड्रायर है इसके अंदर को पंप करते हैं और इधर की ऊपर की साइड से ये निकल जाती है। तो जो मॉइस्चर होता है वह इसी हॉट एयर के साथ में बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके अप साइड में हमारा एक लोडर होगा। उस लोडर को, लोडर कैसे काम करता है, ठीक है, यह अब हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक अपना जो प्लास्टिक मटेरियल वह है और एक पाइप इसमें डला होता है और ये यहाँ पे टच रहता है, आपने देखा होगा। और ठीक ऊपर की साइड में जो लोडर होता है जो वैक्यूम क्रिएट करता है उससे यह पाइप जुड़ जाता है। ठीक, इसके साथ साथ एक ऑपरेटर इस तरीके का जुड़ा रहता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह देखिए, यह वेट है, तो जब यह वेट होगा तो यह ऊपर की तरफ को मूव कर जाता है। जैसे ही सारा, जैसे ये खाली है तो यह वेट नीचे आएगा,
तो यह ऊपर जाके इस पर टच कर दे हो जाएगा, और फिर जब लोडर ओपन होगा तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा और वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये एयर लेना स्टार्ट करेगा। तो इसके साथ में जो ये मटेरियल है यह भी ऊपर की तरफ को मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जाली लगी होती है नेट, तो इसमें क्या होता है, ये मटेरियल ऊपर की तरफ को मूव नहीं कर सकता, इसलिए वह यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, और जो एयर होती है वह इस वैक्यूम लोडर की तरफ को, बाहर की तरफ को पंप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये फिर पूरा फिल हो जाता है, क्योंकि ये जो लोडर होता है ये टाइम बेस पे चलता है, मतलब टाइमर के साथ में चलता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या होता है, जैसे ही लोडर अपना कार्य करना बंद करता है तो यहाँ पे वेट के कारण यह नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वैक्यूम नहीं है। तो क्या होगा, ये जैसे ही वेट यहाँ पे आएगा ये नीचे की तरफ को मूव कर जाएगा सारा मटेरियल, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ को चला जाएगा और मटेरियल नीचे की, जैसे ही ये मटेरियल खाली होगा तो वेट के कारण यह फिर आके यहाँ पे टच होगा और कोई एयर इधर से नीचे अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो उसके साथ फिर लोडर ऑपरेट होगा, तो ये क्या होगा, यही प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा और हमारा जो होपर है इसमें मटेरियल अंदर की तरफ को आता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे कि होपर किस तरीके से काम करता है और उसका होपर लोडर किस तरीके से काम करता है, ठीक है दोस्तों।